एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है, अगर आप मोबाइल से भर रहे हो, अगर आप लैपटॉप से भर रहे हो, आप किसी भी चीज़ से भर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस। तो आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार से आप लोगों को भरना है, ठीक है, और आप लोगों को कोई भी गलती नहीं करनी है गाइस, ठीक है। तो चले गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो गाइस एप्लीकेंट लॉगिन, इसमें आप लोगों को आना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोगों को डायरेक्टली उस पर क्लिक करके और लॉगिन वाले सेक्शन पे आ जाना है। सबसे पहले लॉगिन टाइप को क्लिक करना है, इसमें दो ऑप्शन होगा, तो आप लोगों को फॉर ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अपना यूजर आईडी डालना है, जो आप लोगों का ईमेल आईडी होता है, ठीक है, तो आप लोगों को ईमेल आईडी डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोगों को अपना पासवर्ड डालना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप जो है अपना ईमेल चेक कर सकते हो गाइस, आपके ईमेल में आईडी और पासवर्ड भेजा गया था जब आप लोग रजिस्ट्रेशन किए थे, ठीक है, तो आप लोग ईमेल चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो। आप लोग यहां पास देख पा रहे हो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप लोग फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप लोगों के ईमेल आईडी पे फिर से पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस भर लेते हैं यहाँ पास यूजर आईडी और पासवर्ड। तो गाइस हमने यूजर आईडी और पासवर्ड जो है भर लिया है, तो हमें सिंपली क्या करना है, साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग जो है आईजिंटो का जो एडमिशन पोर्टल है उसमें आप लोग इंटर हो जाओगे। आप लोग देख पा रहे हो एडमिशन पोर्टल स्टूडेंट डैशबोर्ड, ठीक है, नीचे आप लोगों का नेम शो हो रहा होगा, यूजर आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा होगा। एडमिशन डैशबोर्ड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप कितने कोर्सेज के लिए सिलेक्टेड हो, ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप लोग जितने भी कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था आप लोगों को नीचे कोर्सेज के नेम देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। आपका सिलेक्शन जिस कोर्स में हुआ है उसके जस्ट सामने आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोगों को सबमिट एडमिशन फॉर्म एंड पे द फी में आप लोगों को क्लिक करना है, यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद गाइस आप लोग यहां पास देख पा रहे होंगे पांच स्टेप्स में ये फॉर्म जो है आपको भरना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में एंट्रेंस रिपोर्ट रहेगा आपका, सेकंड में आप लोगों को अपना एप्लीकेंट डिटेल भरना है, थर्ड स्टेप में आप लोगों को फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, फोर्थ है डिक्लेरेशन का, और फिफ्थ स्टेप है आप लोगों का पेमेंट करने का, ठीक है। चले गाइस स्टेप बाय स्टेप आप इन्हें भरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो एंट्रेंस रिपोर्ट है यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पास ब्लर किया है प्राइवेसी के कारण, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पास सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को एग्री एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग जो है सेकेंड स्टेप में आ जाओगे, इसमें आप लोगों को एप्लीकेंट डिटेल मतलब अपना डिटेल भरना है, ठीक है। तो यहाँ पास सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस यहाँ पास बताया गया है कि एडमिशन फॉर्म इज नॉट एडिटेबल आफ्टर सबमिट द फॉर्म एंड पेड द फी, ठीक है। यहाँ पास बताया गया है कि अगर आप फॉर्म को सबमिट कर देते हो, फीस पेड कर देते हो, तो आपका जो फॉर्म है वो एडिट नहीं होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान से भरना है गाइस, ठीक है। यहाँ पास नीचे गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ डिटेल जो है पहले से भरा हुआ है, ठीक है, आप लोगों को जो खाली प्लेस है उन्हीं में आप लोगों को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पास सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे स्टडी सेंटर, इसमें आप लोगों को आईजेंटिव हेडक्वार्टर सिलेक्ट कर लेना है, ओके। और अगर आपने आरसीएम के लिए अप्लाई किया है, रीजनल कैंपस मणिपुर के लिए, तो आप लोगों को उसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो आईजेंटिव हेडक्वार्टर के लिए अप्लाई किए होंगे, तो आप लोग आईजेंटिव हेडक्वार्टर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल करना है, और यहाँ पास आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे गाइस सब कास्ट। सब कास्ट क्या होता है गाइस, काफ़ी लोगों को डाउट रहता है सब कास्ट को लेकर, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मेरा नाम है प्रदीप कुमार प्रजापति, तो प्रजापति का जो सब कास्ट होता है गाइस कुम्हार होता है, ठीक है, तो कुम्हार मैं यहाँ लिखूंगा अगर मैं इस फॉर्म को भरता, तो आप लोगों को भी अपना सब कास्ट जो है भरना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोगों को अपने फादर का नाम भरना है, अपने मदर का नाम भरना है, नेशनैलिटी भरना है, और उसके बाद आप लोगों को अपना रिलीजन भरना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ऑप्शन आएगा हिंदू मुसलमान, जो भी हो आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। आधार नंबर भरना है, अगर आप एक फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप भरना होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को नहीं पता है अपना ब्लड ग्रुप तो आप कुछ भी भर देना,
ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद गाइस आप लोगों को अपना एड्रेस भरना है, आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो सही से आप लोगों को अपना एड्रेस भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है गाइस यहाँ पास, उसके बाद अपना स्टेट भरना है, उसके बाद अपना पिन भरना है, ठीक है। पिन कोड आप लोगों को सही से भरना है, पेरेंट मोबाइल नंबर भरना है, आप लोग अपना मोबाइल नंबर भी भर सकते हो। उसके बाद गाइस आप लोगों को एकेडमिक डिटेल भरना है, आप लोग यहाँ पास देख पा रहे, सबसे पहले 10th क्लास का भरना है। कोर्स और सब्जेक्ट में सबसे पहले आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स भरना है, आप लोग ऑल कंपलसरी भी भर सकते हो यहाँ पास, ठीक है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आप अपना स्टेट का, स्टेट बोर्ड का नाम भी लिख सकते हो यहाँ पास, ठीक है, तो आप लोग भर दीजिएगा। रिजल्ट में आप लोगों को पास यहाँ पास सिलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ कंप्लीशन आप लोगों को भरना है, आपने 10th कब कंप्लीट किया था यहाँ पास आप लोगों को भरना है, ठीक। उसके बाद गाइस आप लोगों को परसेंटेज भरना है। उसके बाद गाइस आप लोगों का 12th का डिटेल मांगा जा रहा है, तो आप लोगों को 12th का डिटेल भरना है, ठीक है। कोर्स और सब्जेक्ट में आपको अपना स्ट्रीम लिखना है और साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट थे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो आप लोग अगर साइंस से हो तो आप PCB PCM लिख सकते हो, ठीक है। आप अगर दूसरे स्ट्रीम से हो तो आप लोग जो है स्ट्रीम अपना लिख सकते हो। उसके बाद गाइस आप लोगों को बोर्ड लिखना है, तो आप लोग स्टेट बोर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, जिस भी बोर्ड से थे आप लोग यहां पास लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रिजल्ट पास कर देना है। उसके बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन आप लोगों को भरना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को परसेंटेज यहां पास भरना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोगों को ये छोड़ देना है, ठीक है, ये आप लोगों को नहीं भरना है, ये केवल PhD एप्लीकेंट्स के लिए, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, ये केवल PhD वालों के लिए, तो आप लोगों को नहीं भरना है। नीचे भी आप लोगों को ये नहीं भरना है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ पास, ठीक है। उसके बाद गाइस थर्ड स्टेप में आप लोग आ जाओगे, यहाँ आप लोगों को फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पास देख पा रहे, कुछ डिटेल है आप लोगों को जानना जरूरी है। यहाँ पास आप लोग देख पा रहे गाइस जो फोटो साइज है वो 200 KB से कम का होना चाहिए, आप लोग यहां पास देख पा रहे, ठीक है। तो आप लोग का फोटो अगर 200 KB से अधिक का है तो आप लोग को कंप्रेस करना होगा, ठीक है। कंप्रेस आप कैसे कर सकते हो मैं आप लोगों को बता देता हूं गाइस, ठीक है। आप लोगों को डॉक स्कैनर जो है डाउनलोड करना है, आपने फोटो को स्कैन करना है, उसके बाद आप लोग जो है कर पाओगे कंप्रेस, ठीक है। आप कोई और एप्लीकेशन भी यूज में ले सकते हो कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। और फोटो का जो फॉर्मेट होगा गाइस JPG PNG किसी भी फॉर्मेट में है आप लोग अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसका जो साइज होगा वो 200 KB से कम का होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सिग्नेचर का भी यहाँ पास आप लोग देख पा रहे, ठीक है। तो चलिए गाइस इसको हम लोग अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ओके गाइस। तो मैंने अपना फोटो और सिग्नेचर जो है भर लिया है, ठीक है। और सिग्नेचर के लिए आप लोगों को क्या करना है गाइस, एक छोटा सा ब्लैंक पेज में आप लोगों को जो है सिग्नेचर कर लेना है, जो भी आप लोगों का सिग्नेचर है, ठीक है, आप लोग कर लीजिए, उसका फोटो लीजिए, ठीक है, और उसको 200 KB से कम का होना चाहिए वो, ठीक है, और उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस फोर्थ स्टेप में डिक्लेरेशन भरना है, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोगों को क्या करना है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसे आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप लोग सबसे नीचे आओ, ठीक है, और यहाँ पास आप लोग टिक करो, उसके बाद एग्री एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद गाइस पांचवे स्टेप में आप लोगों को पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप लोग यहां पास जो भी डिटेल भरे हो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कोर्स, आपका नेम, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सेमेस्टर और टोटल पेएबल अमाउंट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पास, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा फिफ्थ स्टेप में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे रिव्यू फॉर्म, इस पर आप लोगों को क्लिक करके फिर से एक बार देख लेना है कि कहीं पास गलती तो नहीं हुई है, अगर गलती हुई है तो आपको फिर से उसे सुधार लेना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, नीचे आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होंगे सबमिट फॉर्म एंड पे द फी में आप लोगों को क्लिक करना है और अपना फीस पेड करना है। उसके बाद गाइस आप लोग यहां पास देख पा रहे होंगे HDFC बैंक, ठीक है, यहां पास आप लोग किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डाल के अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहां पास आप लोगों का टोटल अमाउंट शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे पे विथ, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। 15 मिनट का समय रहेगा आप लोगों को फीस पेड करने के लिए, ठीक है, उसके बाद ये सेशन जो है एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लिक कर लेना है, अगर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो उससे पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड है उससे पे कर सकते हो, अगर आपके पास अदर बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी आप लोग कर सकते हो, इवन आप लोग जो है नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो,
ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस कि अदर बैंक डेबिट कार्ड से आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो हमने अदर बैंक डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डालना है, CVV नंबर डालना है और नेम ऑन कार्ड, जिसका भी कार्ड है उसका नाम होगा कार्ड में, ATM कार्ड में, तो आप लोगों को यहाँ पास भरना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। एक OTP आएगा, ठीक है, उसको भरना है। उसके बाद आप लोगों का पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है गाइस, मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया है कि कैसे आप लोगों को ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है। अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से UG वालों को भी भरना है, ठीक है। अगर आप एक UG के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को इसी प्रकार से आप लोगों का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, आई होप आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।